मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली में आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने आपका जारी किया एक वीडियो बयान कहिए या फतवा कहिए, वो देखा सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने खास तौर से लोगों से ताकीद की कि बीमारी का धर्म नहीं होता, वो आपको धर्म देखकर नहीं पकड़ेगी आकर, तो इसलिए बीमारी के वक्त में डॉक्टर से परहेज नहीं करना चाहिए, सामने आना चाहिए। फिर ये जमात से जुड़े लोग जगह जगह छुप क्यों रहे हैं, सामने आने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं देखिए, हम लोगों ने दारुल उलूम रंगी महल से ये फतवा जारी करके ये इस बात की वजाहत की है कि जो जिस किसी को भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं, उसको चाहिए कि वो सामने आ करके अपनी जांच कराए, और अगर ऐसा नहीं कराता है तो ये गैर शरई अमल होगा, नाजायज़ होगा, क्योंकि मजहब इस्लाम में इंसान की जान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम अपनी जानों को और दूसरों की जानों को हलाकत में ना डालो। इस वजह से इंसान को अपनी जान और अपने घर वालों और अपने पड़ोसियों और शहरियों की जान को मद्देनज़र रखते हुए जिस किसी को भी इसके सिम्टम्स नज़र आएँ, उसको खुद सामने आकर के अपनी जांच करानी चाहिए। और आपको लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बड़ी तादाद में लोगों ने जाँच कराई है। और फिर मैं यह बात कहूँगा कि मीडिया से कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि किसी भी एक रिलीजन को इस ख़तरनाक वक्त में उसके मानने वालों को टारगेट ना किया जाए। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है और आज भी कर रहे हैं, और अभी जो शब रात गुजरी है वो जीगती जागती मिसाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क में तमाम मुसलमानों ने घर में रही कर इबादत की और कोई भी कब्रिस्तान नहीं गया। मौलाना साहब, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल तो है ही नहीं। महीना शुरू होने जा रहा है, रमजान के महीने में भी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि सब लोग घर में रही कर इबादत करेंगे, घर में ही अफ्तार करेंगे और घर में ही तरावी भी अदा करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, अगर आप भी, आप जैसे लोग भी जिनकी जनता मानती है, बैठ के ये कहेंगे कि मुसलमान को धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तब तो बड़ा गलत संदेश जाएगा ना। नहीं नहीं, ये जो जमात के आज 16 लोग विदेशी जिनको छुपा के रखा था प्रोफेसर साहब ने प्रयागराज में, क्या उनको सामने नहीं लाया जाना चाहिए था? अब तक जब तक मौलाना साहब खुद जो दो बार तीन बार अपने ऑडियो मैसेज निकाल चुके हैं कि भाई जो जो लोग आए थे निजामुद्दीन में वो जाके अपनी जांच करा लें, पहली बात। दूसरी बात सर, मैं पूरा कर लूं, मैं आपके बीच में टोकूंगा नहीं आपको। दूसरी बात सर यह है कि केरल की पुलिस मोबाइल फोन सर्विलांस से लोगों को ढूंढ ढूंढ के बुला के क्वारंटीन कर रही है, उनकी जांच करा रही है। जमात के कार्यक्रम में गए 284 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोन बंद कर रखे हैं, वो सामने आने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। उनकी लिस्ट है लेकिन उनका अता पता नहीं है वो कहां है। अब उनको ढूंढे तो आप ये कहेंगे कि धर्म के आधार पर टारगेटिंग हो रही है? नहीं नहीं, मैं कोई एक ब्लैंकेट कोई एक वो नहीं बयान दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन आप इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि बड़ी तादाद में जमात से जुड़े ही हुए लोगों ने सामने आकर के अपने आप को अपनी जांच के लिए पेश किया भी है। और अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किस्म के लोग या एक जमात के लोग ही अपने आप को उससे दूर रखे हों या अपनी अपने आप खुद चेकअप के लिए नहीं आ रहे हैं। आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि बड़ी तादाद में दूसरी जगह भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि अफसोसनाक हैं, उनको भी हमें उजागर कर किए जाने की जरूरत है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में मीडिया और हम सबको चाहिए मौलाना साहब, सबसे आसान होता है करें और अपनी बातें रखें, जिससे जो मुझे मैंने आपका पब्लिक में ज्यादा मैंने जब आपका फतवा देखा था ना सर, तो मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी उन्हीं तमाम लोगों की तरह टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, ये कह के कि दूसरी जगह भी तो हो रहा है। आप तो खुद इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि ये छूत की बीमारी है। आपके यहां 2 आदमी हो या 20 आदमी हो, वो बीमारी फैलने की आशंका पूरी तब की बनी हुई है। अब क्योंकि दूसरे तबके ने जांच नहीं कराई, तो क्या आपको अपने लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई जांच मत कराओ आप भी, या उनको ये कहना चाहिए कि सामने जाओ तुरंत और जांच करवाओ? इतनी देर, अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। इतनी देर की बात में क्या मैंने एक भी ये लाइन कही कि दूसरे लोग आकर ना कराएं या ये ना कराएं वो ना कराएं? मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोगों के अंदर भी इस किस्म के सिम्टम्स हैं या लोग उसके ऐसे लोगों के जो पॉजिटिव अब हुए हैं या जिनको क्वारंटीन किया गया है उनके कांटेक्ट में आए हैं, उन सबको आगे आकर अपनी जांच करानी चाहिए। मौलाना साहब, दिक्कत ये हो गई कि अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर ऐसे मामले आ गए जिसमें कि आदमी में लक्षण नहीं दिखते, जांच होने के बाद पता चलता है
कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है।